नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रह लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कजरी तीज कब है। पूजा के दौरान जरूर पढ़े ये व्रत कथा। कजरी तीज के दिन माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन जरूर करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल कजरी तीज का त्यौहार 2 सितंबर 2023 को है। यह पर्व सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सुहागन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएँ भी पूरी होती है। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन जरूर करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। साथ ही जानते हैं कजरी तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजरी तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वे सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो आपकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। व्रत के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। व्रत शुरू करने के बाद सोना वर्जित माना जाता है। कजरी तीज पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको केवल शाकाहार भोजन ही खाना चाहिए जो बिना प्याज और लहसुन के पकाया गया हो। इस दौरान मांसाहार या किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें, साथ ही इस दौरान चुगली और किसी की बुराई करने से बचें। इसके अलावा गुस्सा करने से भी बचें। कजरी तीज व्रत में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। 16 श्रृंगार करते समय काले व सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ना करें, ना इस रंग के कपड़े पहने और ना ही कोई चीज। तीज व्रत में सत्तू से ही भोजन बनाएं और इसी से व्रत का पारण भी करें। इस दिन गायों को रोटी, घी और गुड़ जरूर खिलाएं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।